तो अगर संविधान ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, अगर कहता है कि सेकुलर रहना चाहिए देश तो आपको सेकुलर ही रखना पड़ेगा इस देश को। ये हिंदू राष्ट्र को लेके सिर्फ वोटों की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है कि भाई आप लोग खतरे में। हिंदू राष्ट्र इसी से यही लॉलीपॉप मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के लोगों को खिलाएंगे, ये फिर वहीं आ जाएंगे हम 47 वाली स्थिति में कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान बना दो। फर्जी है वो, कहाँ से आ गया? जुमा जुमा 8 दिन उसे हुआ नहीं, एक दिन गए न्यूज वाले उठ के पास और वो बागेश्वर धाम बन गए। हमें दिखा दे वो कैंसर का मरीज पड़ा है, मर गया, कोई उसे जिंदा करना तुम्हें भाई कैसा बाबा, झूठा है फर्जी है। तो ये बाबा जो होते हैं वो इस तरह का ढोंग नहीं करते, बाबा जो मिलते हैं आपको साधारण आदमी मिलेगा, इस तरह ढोंग नहीं करते बाबा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं डीवी इंडिया और इस समय मैं जोरबाग करबला मस्जिद के पास हूँ। यहाँ पर तमाम मुस्लिम भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। देश में इस समय हिंदू राष्ट्र का शोर है और लगातार इसको लेकर कई सारे धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएँ आती रही हैं और तमाम संगठनों की, तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएँ आती रही हैं। ऐसे में मुस्लिम भाई मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है। क्या कहेंगे सर देश में इस समय हिंदू राष्ट्र का जो माहौल बनता जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसमें? सर मेरा मकसद यह है जानने का कि ये देश कुरान से चलेगा, रामायण से चलेगा, गीता से चलेगा या संविधान से चलेगा। अगर संविधान आपको कहता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो हम लोग वेलकम करेंगे उस चीज़ को। अगर संविधान कह रहा है ये सेकुलर है तो आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे हैं, शुरू से रहे हैं। और अब अगर आप मुगलों का दौर देखें उस हिसाब से जो हिस्टोरियंस बताते हैं भाई मुगलों ने इतना वो करा ये करा, फिर एक भी हिंदू नहीं होता यहाँ। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ गंगा और यमुना दोनों हैं और ये यहाँ मंदिर में घंटी भी बजती है और अजान की आवाज़ भी आती है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो अगर संविधान ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, अगर कहता है कि सेकुलर रहना चाहिए देश तो आपको सेकुलर ही रखना पड़ेगा इस देश को। आपके या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं है कि मैंने अपने कमरे के ऊपर लिख दिया भाई ये आज से हिंदू राष्ट्र हो गया काम। ये 130-135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें मुसलमान भी उतने भागीदार हैं जितने हिंदू भागीदार हैं। दोनों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह कहीं तो कहीं अशफाक उल्ला खान, तो इन लोगों ने दी कुर्बानी आपके और मेरे लिए दी। अगर आज हम ये कहें भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो फिर ये फिर वहीं आ जाएंगे हम 47 वाली स्थिति में कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान बना दो। फिर आप 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको कहाँ लेके जाओगे आप? अभी तो एक तो आप कहते हो कि जी अखंड भारत, हम कहते हैं कि भाई काबुल भी हमारा है, अफगानिस्तान हमारा, ईरान तक हम हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हो जी हिंदू राष्ट्र कर दो, अब ये दोनों अलग अलग मांगे हैं ना जी। या तो आप विश्वगुरु बनना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक जगह को सिर्फ एक नाम से नहीं पहचानना, हिंदुस्तान सबका है। तो इसीलिए मैं सिर्फ मेरा एक सजेशन है। नहीं, लोग कहते हैं कि देखिए देश तमाम इस्लामिक स्टेट हैं तो क्यों ना एक ही, तो एक ही कंट्री है पूरे विश्व में, एक ही कंट्री है जो हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? सर बहुत अच्छा सवाल है। हिंदू राष्ट्र एक कंट्री पहले भी थी जिसका नाम नेपाल था, आज आप वहाँ के हालात देख रहे हैं और वहाँ पर भी आज डेमोक्रेसी आ चुकी है। और डेमोक्रेसी जहाँ थी, देखिए सेकुलरिज्म जहाँ जहाँ है, आप लोग हिंदू मुसलमान जब, मैं तो कह रहा हूँ कि ये झगड़ा ही खत्म कर देते ना। आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, आप इसका नाम ही चेंज कर दो। आप अंग्रेजों ने जैसे डिवाइड एंड रूल करा था वैसे फिर कर दो। तो हिंदुस्तान सेकुलर जो है वो, मतलब आप मानते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो कहीं बांटने की राजनीति? बिल्कुल बांटने की राजनीति है सर, इसमें आप कह ही नहीं सकता कि इसमें हर एक का हित देखा जाएगा। देखिए अब मैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, अगर उन्होंने इसमें कोई प्रावधान रखा होता कि हाँ भाई हमें हिंदुओं को अलग करना, मुसलमानों को अलग करना, या ग्वालकर की जो टू नेशन थ्योरी थी उस हिसाब से चल रहा होता तो फिर तो अभी तक कई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो चुके होते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यहाँ है ये है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर रहते हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि 1% आदमी मुसलमानों में खराब है या हिंदुओं में खराब है जिनकी वजह से पंगे हो रहे हैं या राजनीति ऐसी चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती मिलजुल के रहने में ही है। जी जी जी, कुछ और लोग भी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस, क्या कहेंगे सर हिंदू राष्ट्र को लेकर? जो है ये हिंदू राष्ट्र को लेकर सिर्फ वोटों की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर उसमें क्या दलितों का क्या होगा, उसमें दलितों का क्या सीन होगा, मुस्लिम्स के लिए क्या है उसमें, और सिख तो वो तो कह रहे हैं ना कि सभी लोग एक हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के जब जो देश संविधान से चलता है और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान था,
सभी नेताओं ने जो मिलके ये संविधान की मतलब रचना की थी और बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार किया था, तो उसमें तो मतलब ये चीज क्या है, हिंदू राष्ट्र अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, प्रधानमंत्री हिंदू है, कोई भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। ये तो एक आरएसएस और बीजेपी को वोटों की राजनीति करनी है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटों को, मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है जी, हिंदू वोटों को बटोरना है, 2024 का इलेक्शन आना है, वो जीतना है, बाकी ये कोई। तो मुस्लिम भी तो है इस देश में सर। मुस्लिम कहाँ है इस देश में, मुस्लिम तो जो बोलेगा वो जेल में जाएगा, मुस्लिम तो पीड़ित है। क्या मुस्लिम पीड़ित है, आप क्या मानते हैं? देखिए मैं इनके बात से डिफर करूंगा। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर कानून का भी राज है, और अगर हम कहीं देखते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम कोर्ट को भी देखते हैं कि कोर्ट अच्छा डिसीजन देती है। कई डिसीजन ऐसे आए हैं कि जिसमें कोर्ट ने जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसको इंसाफ दिलाया, हाल ही में कई डिसीजन ऐसे हुए हैं। बट मसला ये है कि आज मेरे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है कि भाई आप लोग खतरे में हैं, अगर प्रधानमंत्री आपका हिंदू है, आपका गृह मंत्री हिंदू है, आपके डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, आपके सारे मंत्री हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में, तो फिर तो यार हिंदू राष्ट्र ने फिर कुछ और बनाना चाहिए आपको, क्योंकि जब सब कुछ आपके पास होने के बाद आप खतरे आप मानते हिंदू खतरे में? नहीं भाई, मेरे तो सारे दोस्त हिंदू है, मैं 90% दोस्त हिंदू है, वो सारे मेरे साथ उठते बैठते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं हर त्यौहार, शादी, तीज। मैंने कई दोस्तों के मेरे ऐसे हैं जिनके शमशान घाट तक मैं उनके साथ गया, उनके बुजुर्ग जो गए दुनिया से। तो माहौल कौन खराब कर रहा है इस देश? राजनीति, ये राजनीति कर रही और बीजेपी और आरएसएस वाले जी। ये अफवाह या दिखा दिखा के टीवी के माध्यम से। हाँ, और इसमें मीडिया का जो है, गोदी मीडिया का मेन रोल है, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं, बेरोजगारी से और गरीब महंगाई से बचने का ये एक अच्छा फार्मूला है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इनके पास बताने के लिए और कुछ नहीं है, तो ये मंदिर मस्जिद और हिंदू राष्ट्र इसी से यही लॉलीपॉप मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के लोगों को खिलाएंगे। अच्छा, वो भी तैयार है, वो खाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बाबा हैं बागेश्वर बाबा, आपने उनका नाम सुना होगा, वो ये कह रहे हैं भाई चार बच्चे पैदा करो, दो राम के नाम के और दो देश के नाम के, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ठीक है ना सर, 800 करोड़ आबादी हो जाएगी ना देश के, देश कहीं तो नंबर बनाएगा। और बागेश्वर के अब के मुझे पता नहीं उनकी औलाद औलाद है, शादी वादी की है, जब उनको पालने पड़ जाएंगे ना चार बच्चे तो उन्हें पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या। वो फर्जी बाबा है, फर्जी फर्जी है, वो कहाँ से आ गया? जुमा जुमा 8 दिन उसे हुआ नहीं, एक दिन गए न्यूज वाले उठ के पास और वो बागेश्वर धाम बन गए। पत्री निकालता है सब कुछ, फेसबुक और उस पे से पूछ देख लेगा सब कुछ कि उसका नाम क्या है, उसका भाई को बता देगा तुम्हारा भाई खाना खा के आया आज। अरे भाई हमें ये बता क्या खाया उसने, मुझे बता मैंने अभी क्या खाया, तू वहाँ पे लिखवा ले सब कुछ और फिर बताता है जी तुम्हारे भाई का नाम तो वो है। ये कौन सा चमत्कार है भाई, किसी मरे हुए को जिंदा कर दे तो चमत्कार मैं मानूंगा, किसी कैंसर के मरीज को हाथों हाथ ठीक कर दे, उसकी अर्जी तो लगा दे भाई, हमें दिखा दे वो कैंसर का मरीज पड़ा है मर गया, कोई उसे जिंदा करना तुम्हें भाई, कैसा बाबा झूठा है, फर्जी है और कुछ नहीं। जी जी, ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं हूँ तो कुछ नहीं हूँ, 2025 में बाबा जी जेल में होंगे, बड़ी बात मैं सही बता रहा हूँ, 2025 में अंदर जाएंगे, क्योंकि जितने बाबा हैं ऐसा नहीं है ये थोड़े दिन की बात है, पहले भी वो थे ना राधव राम जी, उनके भी बड़ा चरण हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, पढ़न छू रहे थे, मोदी जी भी जा रहे थे, सब गए थे, फिर बाद में कहाँ गए, वो जेल चले गए। तो ये बाबा जो होते हैं वो इस तरह का नोंगनी करते, बाबा जो मिलते हैं आपको साधारण आदमी मिलेगा, इस तरह नहीं नोंगनी करते बाबा। अच्छा अब्बा जी, हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र पे माहौल एक देश में बनता जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है, एक पॉलिटिक्स है और क्या है, कुछ नहीं है हिंदू राष्ट्र। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जैसे जी चल रहा है देश ऐसे चलता रहेगा, बाबा जी कैसे चल रहा है, जैसे बाबा ने लिखा है सारी मेहनत की, बाबा जी ने इतनी पढ़ाई वढ़ाई करके क्यों बनाया ये? आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात? बिल्कुल कर रहा हूँ उनकी बात, उन्होंने जो लिखा है वो ऐसे थोड़ा ना, उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक बराबर लिखा है, सब कानून उन्होंने लिखे, हम उनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते रहेंगे, ये हमारी है। जी, तो ये देखिए तमाम लोग थे इस समय, और एक बड़ा नाम इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जिन्होंने अपने संविधान के प्रैम्बल में पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग
हम हिंदू लोग नहीं, हम मुस्लिम लोग नहीं, हम सिख नहीं, हम ईसाई नहीं, हम कोई नहीं, हम भारत के लोग। तो ये भारत के लोग, चाहे वो कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन वो सभी भारतीय हैं। ऐसी कल्पना और ऐसा लिखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने संविधान में गए। लेकिन अभी पूरे देश में माहौल बन रहा है हिंदू राष्ट्र का, तो उस पर ये मुस्लिम भाइयों ने जो जवाब दिए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।